अभी भैया यहाँ अकेले आए हो या किसी को लेके आए हो? आप दोनों अकेले आए हैं? कब, कितना टाइम हो गया शादी करे? शादी हुए हमारे को इतना डॉक्यूमेंट में देखा है, तारीख 12 अप्रैल। 12 अप्रैल यानी कि एक महीना हो गया, मतलब एक महीने के ऊपर ही होगा, 3 दिन ऊपर होगा। किस तरह से धमकियाँ मिल रही हैं आपको? ये धमकियाँ इनकी फैमिली की तरफ से मिल रही है। कास्ट तो सेम ही है ना जी? कास्ट तो सेम ही है ना? हाँ, सर ये धमकी मिल रही है कि इनसे मैंने ये किया कल रात को, तो इनकी मम्मी जी ने मेरे को धमकी दी, इनके मौसी जी ने मेरे को धमकी दी, बोले अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको जान से मरवा देंगे, हम आपको जेल भिजवा देंगे, हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। कल रात को इनकी मम्मी के फ़ोन आए थे कि कॉल भी आपको चेक करवा सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ SP ऑफिस आए हैं SP साहब से मिलने के लिए। कि हमारे आप दोनों के साथ ही रह रहे हो क्या? जी कल से हम साथ हैं। शादी पहले कर लिया? जी महीने भर पहले हमने शादी कर ली, तो मैंने बोला आप रुको। कहाँ से शादी करी थी आपने? अजमेर से। अजमेर कहाँ से? अपने सेशन कोर्ट से। जी आपका नाम? मलिक हुसैन। बस आ जाइए, आइए वापस। मेरी फैमिली मुझे फालतू की धमकी दे रही है। मैंने शादी की, एक महीना हो गया, मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, मैं अपने परिवार में खुश हूँ, फिर भी मम्मी मेरे को बोल रही है मैं तेरे को मरवा दूँगी, तेरे से शादी करवा दूँगी, ऐसे फालतू की धमकी देखी। इसलिए हम ऐसे सबसे मिलने आए हैं, उनसे उनको बोलने आए हैं कि हमको हम हमारी लाइफ में खुश हैं और वो हमारी मम्मी अगर फेस ना करें। किससे शादी हुई है, क्या हुआ? ये मैं उनसे 1.5 साल से मिली हूँ, उनका नाम मलिक है, मेरा नाम मायरा शेख है। शादी कहाँ पे करी आपने? कोर्ट में किए, निकाह किया है। आज किससे मिलने आए? जो यहाँ के जज हैं उनसे मिलने आए। SP साहब। आपका नाम? मेरा नाम मायरा शेख।